नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। टैक्स प्लानिंग मंथ चल रहा है अपना मार्च 2019 में, तो एक क्वेरी ऐसी है ना जो आपको भी टच करता होगा कहीं ना कहीं, कि शेयर्स में पैसा डाले कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाले टैक्स सेविंग के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर्स में पैसा डालने से, अपन अगर कुछ शेयर में पैसा डालेंगे तो उससे हमारा कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होने वाला है, ये क्लियर है। तो शेयर्स में पैसा डाल के टैक्स बचेगा मत सुनिए, मत मानिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो खाली आपके बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा और P&L को अभी अफेक्ट नहीं करेगा, ना आपके टैक्स को अफेक्ट करेगा। तो टैक्स प्लानिंग के लिए शेयर्स को भूल जाइए, जो हम डायरेक्ट करते हैं उसको भूल जाइए। दूसरा, मैंने कहा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसे डाले हैं तो ही टैक्स सेव होंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में बताया कि मोटा मोटी तीन प्रकार के होते हैं, एक ओपन एंडेड जिसमें जब मर्जी डालो जब मर्जी निकालो, दूसरा क्लोज एंडेड जो कि एक सर्टेन पीरियड के लिए रहता है, उससे पहले नहीं निकाल सकते, और तीसरा टैक्स सेवर होता है। तो टैक्स सेवर वाले पे अपने को रहना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स सेवर में भी हम लोग को 5 साल तक या जो भी पीरियड म्यूचुअल फंड के रूल्स डिसाइड करेंगे उतने समय तक पैसे नहीं निकाल सकते। तो म्यूचुअल फंड का जो टैक्स सेवर है उसमें आप पैसा डालेंगे तो टैक्स बचेगा, शेयर्स में पैसा डालेंगे तो टैक्स नहीं बचेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले टैक्स प्लानिंग के बारे में और टैक्स सेविंग के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियोस को फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट के बेसिस पे डेली टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, किसी दिन एक से ज़्यादा वीडियो भी डाल सकता हूँ। तो आप डालिए कि आपको कैसा क्वेरी है, मैं 100% उसको एड्रेस करूँगा। जहाँ भी बैठा रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को इस महीने पूरा हेल्प करने वाला हूँ टैक्स प्लानिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।